वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज ना बिल्कुल टोटली का टोटली सीन ही उल्टा पड़ गया, चेंज हो गया। कैसे? बहुत से भाई लोग दोस्त ये समझ कर बैठे थे कि यार एक विलन रिटर्न का ट्रेलर आने वाला है, मतलब कि बॉलीवुड की मूवी का ट्रेलर आने वाला है। मतलब बॉलीवुड की मूवी तो समझो ट्रेलर बकवास, या तो ये लोग कुछ ना कुछ ट्रेलर के अंदर स्पॉइल कर देंगे, सारी स्टोरी लाइन बता देंगे, या एक्शन सीन ही इनके बेकार होंगे, या फिर ट्रेलर में ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे और ट्रेलर फालतू निकलेगा। लेकिन तो हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा। ट्रेलर बिल्कुल परफेक्ट निकला, मस्त निकला और बहुत अच्छा निकला, जिसे देखकर ना सब लोग एक दफा शॉक्ड हो गए कि यार ये कैसे पॉसिबल है। इवन के दोस्तों ट्रेलर आने से पहले मैंने भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई थी। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल ट्रेलर होगा, ना इतना अच्छा होगा ना इतना बुरा होगा। लेकिन दोस्तों सबकी एक्सपेक्टेशंस को ट्रेलर पीछे छोड़ते हुए बहुत आगे निकल गया। लेकिन यहां पर दोस्तों कुछ हेटर्स होते हैं जिनकी जल गई प्रॉपर तरीके से, मतलब कि उल्टे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको एक दो कमेंट बताता हूं। तो कमेंट ये था, बहुत से भाई लोग कहते हैं कि यार ये कैसा ट्रेलर है जिसका कोई सर पांव ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आया ट्रेलर में, कभी लगता है ये विलन, कभी लगता है ये विलन। एटलीस्ट विलन को तो बताना चाहिए था, मतलब समझ लो विलन को तो बताना चाहिए था। अब अगर वो विलन का ट्रेलर के अंदर ही बता दे तो मूवी कौन देखने जाएगा, मूवी देखने जाने का फायदा क्या है, बस ट्रेलर देके बैठ जाओ। यार कमाल कर रहे हो। यही तो दोस्तों असली सस्पेंस था कि समझ नहीं आई कि विलेन कौन है। कभी लगता था अर्जुन कपूर है, कभी लगता था नहीं भाई जॉन अब्राहम है, और लास्ट में तो दोस्तों ऐसा फील हुआ ये दोनों ही नहीं है भाई साहब, या दिशा या तारा, मुझे तो तारा पे शक हुआ। ये सस्पेंस क्रिएट होगा जिसकी वजह से अब मूवी देखने मतलब कि दिल कर रहा है कि मूवी भाई साहब अब देखनी देखनी है। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं मोहित सूरी। क्या पता बहुत से लोगों ने नाम सुना हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये डायरेक्टर बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर से 10 times अच्छे हैं। कैसे दोस्तों, इन्होंने मूवी डायरेक्ट की थी आशिकी 2, अपने टाइम की कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन आप एक बात नोट करो, आशिकी 2 के सॉन्ग्स आज भी सुने जाते हैं। फिर दोस्तों उन्होंने एक विलन रिटर्न की थी, एक विलन जो उसका पहला पार्ट है वो डायरेक्ट की थी, उसके सॉन्ग्स आज तक सुने जाते हैं, कितने माइंड ब्लोइंग सॉन्ग थे। फिर एक और मूवी आई थी इमरान हाशमी की, हमारी अधूरी कहानी, वो भी दोस्तों इन्हीं डायरेक्टर ने डायरेक्ट की थी, उसके सॉन्ग्स भी दोस्तों ब्रिलियंट सॉन्ग थे, मतलब कि सुने जाते हैं आज तक। यहां पे आप एक बात नोट करो, इस डायरेक्टर के सॉन्ग्स हमेशा ही सुपर हिट होते हैं। और अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं आता तो दोस्तों सिर्फ जाके एक दफा फिर ट्रेलर देख लो। जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है और उसके बाद एक सॉन्ग आता है, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, ओए होए माइंड ब्लोइंग सॉन्ग। बिलीव नहीं करोगे आप, मैंने सिर्फ इस सॉन्ग का ये जो छोटा सा पार्ट था इसको 15 to 20 times सुना है। बिलीव नहीं करोगे, मींस कि ये मुझे इतना ज्यादा पसंद है। फिर उसके बाद सस्पेंस आ जाता है, फिर थोड़ी बाद एक और सॉन्ग आता है पुराना, तेरी गलियां सॉन्ग, ओए होए, मतलब कि समझ रहे हो। एक विलन रिटर्न भी जो इसमें भी जो सॉन्ग्स होने वाले हैं सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होने वाले हैं। और अगर मूवी जैसी भी हो, इसको अगर कोई चीज हिट करेगी तो सॉन्ग्स होंगे। सॉन्ग्स को भी साइड पे रखो दोस्तों, मूवी का बीजीएम सुना था, क्या माइंड ब्लोइंग बीजीएम था। स्टार्टिंग का छोड़ो, अगर आपने एंड टाइम जब तारा सुतारिया आती है ऐसा वो चल के, ऐसे लग रहा होता है कि यही विलेन है, उस टाइम जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है वो जरा गौर से सुनना। ब्लॉकबस्टर जोड़ी है अपनी, मैं विलेन और तू, लिटरली गूज़बम्स वाला था। इतना ही नहीं, कुछ भाइयों का कहना था कि यार अर्जुन कपूर की एक्टिंग भाई साहब ओवर लगी, डायलॉग्स के साथ मैच नहीं कर रही थी। यार क्या बात करते हो, अभी भी नहीं मैच कर रही थी तो क्या, मतलब कि लड़के की ट्रांसफॉर्मेशन चेक करो, वेट लॉस किया है, ऊपर हेयर स्टाइल चेक करो, फुल विलन टाइप लग रहे हैं। और फिर जो एक्शन सीन्स थे उनके जॉन अब्राहम के साथ वो जरा चेक करना, माइंड ब्लोइंग है भाई साहब, माइंड ब्लोइंग। अगर मैं इसको कंपेयर करूं दोस्तों एक विलन सिंपल वाले के साथ, तो दोस्तों नो डाउट इट्स अ लेजेंडरी मूवी, बहुत कमाल की फिल्म थी। 35 crore का उसका बजट था और मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 170 crore, मतलब कि मूवी के बजट से 4-5 times ज्यादा उसने प्रॉफिट बनाया था। अब दोस्तों एक विलन रिटर्न आ रही है, तो इसके ट्रेलर की जिस तरह से हाइप है, मतलब कि मैक्स ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पसंद है, बहुत सी ऑडियंस को पसंद है, तो लग रहा है कि ये मूवी भी बहुत कमाल की ओपनिंग लेने वाली है। और वो ओपनिंग कम से कम भी ऑलमोस्ट 20 to 30 crore के मिड में
आने वाली है, तो अगर इतनी आती है तो मूवी को ब्लॉकबस्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अगले वीडियो में ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।